Hello students, welcome to Shweta Yadav tutorials. Please like and subscribe my channel, and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about the nitrogenous bases. We have discussed about the purines as well as the pyrimidines. Here we are discussing a very important topic or chapter of class 12 that is molecular basis of inheritance. पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड में होती है पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजनस जो है वो दो टाइप के होते हैं प्यूरिन एंड पायरेमिडीन जब हम बात करते हैं पायरेमिडीन की तो पायरेमिडीन में आता है कट सी यू टी साइटोसिन यूरासिल थान ये तीनों पायमिडिन है क्योंकि इनमें पायरामिडिन रिंग होती है एक सिंगल रिंग से ये बने होते हैं बट ये फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग होते हैं यानी कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो अलग होता है जैसे हम साइटोसिन की बात करें तो इसमें किटोनिक ग्रुप होता है और अमाइनो ग्रुप होता है यूरासिल में किटोनिक ग्रुप होता है और थायमिन में किटोनिक ग्रुप होने के साथ साथ दो पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप भी होता है तो ये इनकी बातें हो गई कॉमन की इनमें पायरेमेडिन रिंग होती है और इनमें जो आयू के हिसाब से नंबरिंग की जाती है वो क्लॉकवाइज की जाती है क्लॉकवाइज नंबरिंग की जाती है पायरेमेडिन में जब हम बात करते हैं प्यूरिन की तो प्यूरिन में आता है एडिनिन एंड ग्वेनिन इनमें दो दो रिंग होती हैं यानी कि एडिनिन में भी दो रिंग होंगी एंड ग्वेनिन में भी दो रिंग होंगी जो दो रिंग हैं, उसमें एक रिंग पायरामिडिन रिंग है जैसा कि हम जानते हैं पायरेमिडिन रिंग में चार कार्बन और दो नाइट्रोजन होते हैं इसी के साथ साथ प्यूरिन में एक और रिंग होती है पायरेमिडिन के साथ साथ जिसको हम बोलते हैं इमेडेजोल्व रिंग इस इमेडेजोल्ड रिंग में दो नाइट्रोजन और यहाँ पे होते हैं पांच कार्बन क्लियर तो यहां पे सॉरी थ्री कार्बन होते हैं नॉट फाइव कार्बन तो यहां पे जब हम रिंग्स बनाते हैं तो रिंग्स का बनना हमें या रिंग का समझना हमें क्यों जरूरी है क्योंकि अगर दो रिंग के हैं दो रिंग के कंपाउंड है तो उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे प्यूरिन और अगर एक रिंग का कंपाउंड है तो उसको हम बोलेंगे पायरामिटिन अब ये बात हमें समझ में आ गई कि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस के साथ साथ जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर होती है जो बिल्कुल सेंटर में होती है शुगर के एक तरफ होता है फॉस्फेट शुगर के एक तरफ होता है नाइट्रोजन बेस अब हमने नाइट्रोजन बेस तो ऑलरेडी पढ़ लिया है कि प्यूरिन और पैरामिडिन होते हैं अब हम पेंटोज शुगर की बात करेंगे यानी कि जो शुगर मौजूद है इस शुगर को बोला जाता है पेंटोज शुगर तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसको पेंटोज शुगर क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें पांच कार्बन होते हैं पांच कार्बन होने की वजह से इसको पेंटोज शुगर बोला जाता है अब जो शुगर है हम आरएनए में भी बात करेंगे और शुगर की हम डीएनए में भी बात करेंगे यानी कि हम दोनों में शुगर को पढ़ेंगे और दोनों में एक कॉमन बात क्या है दोनों में कॉमन बात है कि दोनों में पेंटोज शुगर होती है बट शुगर का नाम अलग अलग है जब हम आर की बात करेंगे तो आर में जो शुगर होगी उसको हम बोलेंगे राइबोस डीएनए में जो शुगर होगी उसको हम बोलेंगे डी अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं इसको भी हम आगे डिटेल करेंगे कि ऐसे इनको क्यों बोला गया इसको राइबोस और इसको डी क्यों बोला गया तो सबसे पहले पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं कि पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होता है यह स्ट्रक्चर आपने देख लिया इसको एक बार हम मैनुअली भी ड्रॉ करते हैं तो मैनुअली ड्रॉ करने पर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है तो पेंटोस शुगर को जब हम बनाएंगे तो शुगर इस तरीके से हमें नजर आएगी क्लियर अब यहां पे हम इस तरीके से इनको मार्क कर देंगे यहां पे हम सी एच टू ओ एच लिखेंगे तो अगर यहां पे ओ OH एच है तो यहां पे आएगा H, यहां पे H तो यहाँ पे ओ एच यहाँ पे भी एच तो यहाँ पे ओ एच और यहां पे ओ एच आएगा और यहाँ पे आएगा एच तो ये जो फिगर है ये फिगर है राइबोज शुगर का इसका फिगर है ये राइबोस का आर में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं राइबोस इसीलिए आर को हम क्या बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड राइट अब यहाँ पे जो फिगर है इसकी हम numbering करते हैं इनकी नंबरिंग जब हम करते हैं तो नंबरिंग में हम क्या देखेंगे ये 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 है तो इसमें कितनी कार्बन हो गए पांच कार्बन एक दो तीन चार पांच पेंटोस शुगर हो गए क्लियर अब यहां पे ये जो राइबोस शुगर है इसकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने से ऑक्सीजन क्या बनाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहां पे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन बनाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब जब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से यहां पे स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि यहां पे इस ऑक्सीजन के होने से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो मोर रिएक्टिव है क्या बोलेंगे उसको हम आरएनए इज मोर रिएक्टिव जो एक्शन है की जो इसका रिएक्शन है वो ज्यादा है ज्यादा रिएक्टिव है इट इज मोर रियक्टिव और जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी तो वो स्थायी नहीं हो गई तो स्थाई नहीं होगी इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी कम होगी तो आर ज्यादा रिएक्टिव होता है और स्टेबिलिटी उसकी कम होती है क्यों कम होती है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन इसको ज्यादा रिएक्टिव और लेस स्टेबल बना देता है तो हमने पढ़ा आरएनए में जो मौजूद शुगर है जिसका नाम है राइबोस और ये पेंटोज शुगर है इस पेंटोज शुगर की नेमिंग हमें पता होनी चाहिए इसके साथ साथ इसकी नंबरिंग हमें पूरी पता होनी चाहिए तो नेमिंग इसकी राइबोज है और इसकी जो नंबरिंग है पोजीशन इस तरीके से इनकी नंबरिंग की जाती है अब एक बात ध्यान रखनी है जब इनकी नंबरिंग हम करते हैं तो नंबरिंग इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव है और जब ये नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगी वहां पे भी नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जो शुगर की नंबरिंग होगी उस पर डैश लगा दिया जाएगा वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश एंड फाइव डैश ये डिफ्रेंशिएट कर देगा नंबरिंग ऑफ द ग्लूकोज एंड द नंबरिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ से अटैच होगा ये बात क्लियर है तो ये बात हमने की राइबोज शुगर की हमने किसकी की राइबोज़ शुगर की अब राइबोस जैसा ही राइबोस जैसा ही सेम स्ट्रक्चर होता है डीएनए की शुगर का जिसको हम बोलते हैं डी तो डीएनए में क्या होता है डीएनए में होता है डी तो यहां पे वर्ड आया है डी डी का मतलब नहीं होना और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का नहीं होना अब कौन से ऑक्सीजन की बात की जा रही है यहाँ पे ऑक्सीजन जिसकी बात की जा रही है वो है सेकंड पोजीशन का ऑक्सीजन जो राइबोस में प्रेजेंट है बट अगर इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है या ये ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं डी राइबोस क्या बोल देंगे इसको डी क्यों बोला इसको डी राइबोस क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन एब्सेंट है ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन एब्सेंट या ऑक्सीजन की कमी है इसीलिए इसको बोला है डी ऑक्सी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं है अब ऑक्सीजन होता तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती और स्टेबिलिटी कम होती जैसा कि आर की है बट जब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो डीएनए लेस रिएक्टिव होगा सो इट इज लेस रिएक्टिव अब कोई चीज अगर कम रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इट इज मोर स्टेबल तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो डीएनए है वो कंपैरेटिवली RNA के ज्यादा स्थाई है ज्यादा स्टेबल है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी बॉडी में तो डीएनए और मेन जेनेटिक ऐसा डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है हम आरएनए को इतना ज्यादा क्यों कंसीडर नहीं करते हैं अगर बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक इंसान है एक ऑर्गेनिज्म है या एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास अगर सेल है और उसकी सेल में डीएनए भी है और आरएनए भी है दोनों चीजें हैं तो मेन जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाएगा मेन जेनेटिक मटेरियल बोला जाएगा डीएनए को मेन जेनेटिक मटेरियल किसको बोला जाएगा डीएनए को अगर दोनों है तो डीएनए भी है और आर एन ए भी जैसे हमारी बॉडी में दोनों है तो हम मेन जेनेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे डीएनए को बोलेंगे आर एन ए को नहीं बोलेंगे अगर बाई चांस डी एन ए नहीं है तो वी कैन कंसिडर आर एन एज अ मेन जेनेटिक मटीरियल अब ऐसा क्यों ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये पॉइंट आएगा और उस समय मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल क्यों है डी मेन जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ज्यादा स्टेबल है जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली होता क्या है जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन कैद होती है डीएनए में हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन कैद है डीएनए ब्लू प्रिंट है हमारी बॉडी का इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉडी डिजाइन हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक मशीन चल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है मतलब ले दे के हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन बंद है और यही वो डीएनए होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है हमारे माता और पिता के डीएनए से मैच करता है क्योंकि हमने उनसे ही डीएनए शेयर किया है क्लियर तो अगर डीएनए स्टेबल नहीं होता या ज्यादा रिएक्टिव होता तो मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं कहलाता तो डीएनए मेन जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि इसे पास ऑन होना है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्टेबिलिटी के साथ तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटीरियल राइट right. तो हमने दो चीजें पढ़ ली है न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ लिया है नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरस एंड पायरेन्स हमने पढ़ लिया शुगर जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर एक और बचता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट है या जो फॉस्फोरिक एसिड है ये होता है एच थ्री फोर की फॉर्म में एच थ्री फोर की फॉर्म में इसको हम फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉस्फेट होने की वजह से डीएनए में भी और आरएनए में भी क्या खास बात हो जाती है तो फॉस्फेट के होने से डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है साथ साथ में इसके होने से एसिडिक प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं डीएनए में तो डीएनए का जो एसिडिक नेचर है वो फॉस्फेट की वजह से है क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड इसीलिए हम इनको न्यूक्लिक एसिड्स भी बोलते हैं राइट right? तो यहां पर एसिडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या बोल रहे हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी कहां से आई

कि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट एक क्या बनाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड या बनाते हैं और जब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या पॉली न्यूक्लियोटाइड और इसी को हम बोलते हैं डीएनए या आरएनए अब हमें ये समझना है कि न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं ये न्यूक्लियोटाइड बनते कैसे हैं और इनके बीच में ऐसी क्या बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये जो शुगर है ये नाइट्रोजनस बेस से भी जुड़ी रहती है और ये फॉस्फेट से भी जुड़ी रहती है बहुत ध्यान से समझना है बहुत बात है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो हियर हियर इन द सेंटर शुगर इज प्रेजेंट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसको एक नॉर्मल फिगर से देखें एक साधारण से फिगर से समझें कि है शुगर बिल्कुल सेंटर में और शुगर के एक तरफ प्रेजेंट है नाइट्रोजन बेस और एक तरफ प्रेजेंट है फॉस्फेट ये बात क्लियर है शुगर बिल्कुल सेंटर में है और एक तरफ शुगर जुड़ी हुई है नाइट्रोजन बेस से एक तरफ जुड़ी हुई है फॉस्फेट से अब बहुत ध्यान से समझना है कि जब नाइट्रोजन बेस से जुड़ी है तो नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन भी है और नाइट्रोजन बेस में पायरेमिडीन भी है नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन भी है नाइट्रोजन बेस में पायरेमिडीन भी है क्लियर शुगर जो हमारी है वो है पेंटोज शुगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे डिओक्सी शुगर है वो भी पेंटोज शुगर है तो अगर कोई शुगर पेंटोज है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं ये पेंटोज शुगर है क्लियर अब इस पेंटोज शुगर में अगर हम इसको प्रॉपर नंबरिंग कर देते हैं हमने इसकी नंबरिंग कर दी क्लियर तो यहां पे नंबरिंग हम कैसे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव हमने इसकी क्या कर दी हमने इसकी नंबरिंग कर दी अब हम क्या बोल रहे हैं कि शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ी है चाहे वो प्यूरिन अटैच होगी तो ध्यान रखना है शुगर का नंबर वन नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है तो हम यहां लिख लेते हैं कि शुगर का नंबर वन नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है शुगर का नंबर वन नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है जब ये शुगर का नंबर वन नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होता है लिंक करता है बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है तो यहां पे बनता है एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसको बोलते हैं तो प्यूरिन और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी पायरामिडिन और शुगर के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी शुगर का हमें पता है कि नंबर वन जो है वो नाइट्रोजन बेस से अटैच हो रहा है बट हमें नाइट्रोजन बेस का नंबर अभी तक नहीं मालूम है तो नाइट्रोजन बेस का कौन सा नंबर होगा तो अगर अगर प्यूरिन है अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन में हमें पता है दो रिंग होती है अगर प्यूरिन है तो प्यूरिन में दो रिंग होती है ये दो रिंग है और अगर पायरामिडीन है तो सिंगल रिंग होती है अगर पायरामिडीन है तो सिंगल रिंग होती है तो अगर प्यूरिन है तो अटैचमेंट या लिंक करेगा नंबर पोजीशन से, और अगर पायरामिडीन है तो लिंक करेगा नंबर वन पोजीशन से तो हमें क्या ध्यान रखना है कि शुगर और नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस में अगर है, तो वन टू नाइन लिंकेज होगा वन टू नाइन यानी कि शुगर का नंबर वन प्यूरीन के नंबर नाइन से अटैच होगा क्लियर और अगर पायरेडीन है तो वन टू वन लिंकेज होगा यानी कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वन टू नाइन इन केस ऑफ प्यूरिन वन टू वन इन केस ऑफ पायरेमिडिन राइट वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम आते हैं शुगर और फॉस्फेट अब यहां पे जो शुगर है यहाँ पे हम अटैचमेंट भी दिखा देते हैं ये नंबर वन से अटैच हो रहा है ठीक है प्यूरिन और पायनामिडीन में हम इसको अटैच कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं शुगर और फॉस्फेट की तो शुगर और फॉस्फेट जब अटैच होंगे तो यहाँ पे शुगर का नंबर फाइव फॉस्फेट से अटैच होगा तो वन ऑक्यूपाई हो गया फाइव ऑक्यूपाई हो गया वन ऑक्यूपाई यानी कि पहला ऑक्यूपाई हो गया और लास्ट वाला ऑक्यूपाई पहले वाले के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गया और लास्ट वाले के साथ जुड़ गई शुगर बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी है तो शुगर के फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ गया और फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ गया नाइट्रोजन बेस अब जब शुगर और फॉस्फेट जुड़ेगा तो यहां पे बॉन्ड बनेगा फॉस्फो एस्टर बॉन्ड डाइएस्टर बॉन्ड नहीं कहेंगे जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो एक सिंगल न्यूक्लोटाइड में शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कीप इट इन माइंड वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बात अगर क्लियर है तो हम इसको फिगरवाइज देखते हैं ध्यान से समझना है ये है शुगर ये क्या है ये है शुगर और इस शुगर में हमने ये बोला है कि ये डी राइबोज शुगर है कौन सी शुगर है डी राइबोज शुगर है अभी जो डी शुगर है इसका नंबर वन पोजीशन अटैच हो रहा है नंबर नाइन पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो हमें यह तो समझ में आ गया कि यह प्यूरीन है हमें यह समझ में आ गया कि यह प्यूरीन है और प्यूरीन में जो ग्लूकोज या हम ये कह सकते हैं प्यूरीन में जो शुगर और जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो लिंक होगा वो वन टू नाइन होगा यानी कि यहां पे वन टू नाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी अब इसको एन क्यों बोला है इसको एन इसलिए बोला है क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो यहां पे शुगर और प्यूरीन में जो लिंकेज होगा उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वहीं अगर पायरेमिडिन होता तो हम क्या बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वन टू वन होता है यानी कि शुगर का नंबर वन और पायरेमिडीन का नंबर वन क्या करता आपस में लिंकेज करता एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती क्लियर अब हमने क्या देखा कि यहां पे ये तो है शुगर और ये है नाइट्रोजन बेस शुगर और नाइट्रोजन बेस जब जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियो बट हम बना रहे हैं न्यूक्लियो तो हम यहां इसको अटैच करवाएंगे किससे? इसको अटैच करवाएंगे फॉस्फेट से तो शुगर का नंबर फाइव फॉस्फेट से जुड़ा शुगर का नंबर फाइव फॉस्फेट से जुड़ा शुगर और फॉस्फेट के बीच में बना एस्टर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड तो ये तो बात हो गई सिंगल न्यूक्लियोटाइड की अब हम देख रहे हैं कि पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी है पूरी क्या बनी है न्यूक्लियोटाइड की चेन बनी है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथा न्यूक्लियोटाइड पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई है तभी तो हम बोलेंगे डीएनए बना है तभी हम बोलेंगे आरएनए बना है नहीं तो हम नहीं बोल सकते डीएनए बना है आरएनए बना है केवल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो आप ध्यान से समझना है बिल्कुल सेंटर में है शुगर बिल्कुल सेंटर में है शुगर शुगर के नंबर वन पोजीशन पे शुगर के नंबर वन पोजीशन पे जुड़ा है नाइट्रोजन बेस कुछ भी हो सकता है प्यूरिन या पायरामिडिन फिलहाल हमें मतलब नहीं है तो यहां पे नंबर वन पोजीशन पे बना या जुड़ा नाइट्रोजन बेस जब नंबर वन पोजीशन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा तो कौन सी लिंकेज हुई एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो यहां पे ये यह बन गया न्यूक्लियोसाइड हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बहुत ध्यान से समझना है यहां पे नंबर फाइव पोजीशन पे जुड़ा फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना क्लियर अब देखो यहां पे ध्यान से समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है यहां पर हमने पढ़ा है कि इसका शुगर पहले वाले का शुगर दूसरे वाले के फॉस्फेट से जुड़ेगा पहले वाले का शुगर दूसरे वाले के फॉस्फेट से जुड़ेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये तो है नंबर वन न्यूक्लियोटाइड ये नंबर टू न्यूक्लियोटाइड ये नंबर थ्री न्यूक्लियोटाइड बहुत ध्यान से समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, पहले न्यूक्लियोटाइड का शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से अटैच तो हुआ अटैच हुआ अब यहां पे ध्यान से समझना है कि जब ये ये वाला जो शुगर है फास्फेट से जुड़ा और यहां पे फिर फास्फेट इस शुगर से जुड़ा हुआ है ही ये तो ऑलरेडी अटैच है क्योंकि ये तो अपने आप में न्यूक्लियोटाइड है तो यहां से ये शुगर फास्फेट से तो ऑलरेडी जुड़ा है तो यहां पे देखो इधर फास्फो एस्टर बॉन्ड ये तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है किस-किस के बीच में शुगर और फॉस्फेट के बीच में अब यहां भी तो शुगर और फॉस्फेट जुड़ रहा है तो इसको भी फॉस्फो बॉन्ड बोलेंगे। फॉस्फो -बॉन्ड तो यहां पे अगर हम बॉन्ड तो हम क्या बोलेंगे दो फॉसफोस्टर बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या बोलेंगे अभी इसको फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड क्लियर तो यहां पे ये जो बॉन्ड बन रहा है शुगर फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों दैट इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है क्लियर बट शुगर और फॉस्फेट के बीच में एस्टर है बट अगर शुगर शुगर के बीच में बन रहा है तो इसको डायस्टर बोलेंगे क्योंकि यहां पे दो शुगर आ गई और एक फॉस्फेट आ गया तो यह डायस्टर बॉन्ड बन गया क्लियर उसी तरीके से यहां पे भी बनेगा ये शुगर ये फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट शुगर तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यह है फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड क्या है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो यहां पे कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई काउंट करें इसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं। तो ये आपको बॉन्डिंग भी आनी चाहिए क्लियर है अब बॉन्डिंग तो आपको पता है कैसे हो रही है एक बार अगर हम देखें कि इसमें डायस्टर बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं तो ध्यान से समझे मान लीजिए शुगर 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 सेंटर में एक तरफ फॉस्फेट 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 और यहां पे नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस अब ये जो डीएनए है इसको हम बोल रहे हैं ये जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक सिंगल स्टैंड से डीएनए बना है अब जब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैसे काउंट करेंगे तो सिंपल कर देंगे नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन बेस माइनस वन जितने भी नाइट्रोजन बेस हो उसमें से माइनस वन कर दो अगर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो, तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन बेस है एक दो तीन थ्री माइनस वन यानी कि यहाँ पे जो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड है फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड है वो कितने हैं वो यहाँ पे दो हैं कितने हैं दो क्लियर एक और दो क्लियर है अगर यही डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता तो यही डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता तो यहां पे नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस शुगर 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 फॉस्फेट 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 क्लियर इस तरीके से हम इसको काउंट करते क्लियर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया तो हम कैसे काउंट करेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तो हम काउंट करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कैसे काउंट किया जाएगा इसको हम काउंट करेंगे नाइट्रोजनस बेस माइनस टू जितने भी नाइट्रोजन बेस है उससे माइनस टू कर देंगे आप देख लो माइनस टू यानी कि यहाँ पे कितने हो चार आप देख सकते हो एक और दो तो यहाँ पे है ही इसका फॉस्फेट इसके शुगर से इसका फॉस्फेट इसके शुगर से तो यहाँ पे एक फॉस्फोडाइस्टर दूसरा फॉस्फोडाइस्टर तीसरा फॉस्फोडाइस्टर और चौथा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने चार बन गए अगर सर्कुलर डीएनए है तो सर्कुलर डीएनए में तो एन से ही काउंट होगा सर्कुलर डीएनए में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो जितने नाइट्रोजन बेस उतने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो ये हमने पढ़ा कि किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है कौन कौन से बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं इनके बॉन्ड्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कौन सी नंबरिंग से शुगर के फॉस्फेट जुड़ा है कौन सी नंबरिंग के शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ा है तो ये पूरा लिंक आपको पता होना बहुत जरूरी है राइट वी विल डिस्कस द नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द नेक्स्ट वीडियो